बात करते हैं अपनी अगली कॉलर से, राज लक्ष्मी जी से, जो कि पुणे की रहने वाली हैं। तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो हेलो, राज लक्ष्मी जी बात कर रही हैं? हाँ मैं ही बात कर रही हूँ। नमस्कार मैम, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ बोलिए मैम, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। थैंक यू मैम। आपका सवाल आया है A1 A2 मिल्क के बारे में, आपकी कोई समस्या है? हाँ, A2 मिल्क आजकल सब बोलते हैं कि अच्छा है ह्यूमन बॉडी के लिए है जी, लेकिन जो अपने यहाँ देसी गाय होती है और विदेशी गाय भी बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में है, होस्टन फ्रीजन और जर्सी जैसे जी, तो ये मिल्क की प्यूरिटी A1 और A2 की कहाँ टेस्ट करके मिलती है, इसकी लैब कहाँ होती है? राज्य लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने कहा कि A2 और A1 दूध, इसका जो वर्गीकरण है वो वंशागत है, विदेशी गायें और देशी गायें। तो ऐसी गायें जिनकी पीठ पे कुबड़ निकली होती है, हम्प, जो हमारी देशी गायों में है, साहिवाल, गिर या दूसरी जो गायें हैं, वो ये उन्हीं में A2 दूध होता है, ये वंशागत बात है। अब अगर आप सीधा उनसे दूध लेंगे तो वो A2 दूध ही कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है उसके जो गुण हैं वो बहुत उत्तम गुण है, वो कई रोगों को रोकता है। लेकिन अगर किसी ने A2 न्यू जर्सी का या होल्स्टीन का दूध मिला दिया है तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग हम दुकान दुकान या घर घर पे नहीं कर सकते। तो सही तो यही होगा कि आप उस जगह से दूध लें जहाँ सिर्फ देशी गायें हैं, तो वो निश्चित तौर पे A2 दूध है, ठीक है। अगर आप उसका टेस्टिंग करवाना ही चाहते हैं तो महाराष्ट्र में भी कुछ लैब हैं, और वैसे सबसे जो सही लैब है वो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल की है, जहाँ पर सिर्फ गायों के लिए और डेयरी के ही काम पे सारा अनुसंधान और सारी बात होती है जी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए।